तो फ्रेंड वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल। रेलवे के तरफ से जॉब का वैकेंसी से लेके आ गए हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है, जिन लोग कम्प्लीटली फ्रेशर्स हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स एज वेल एज एक्सपीरियंस होल्डर दोनों के लिए ही वैकेंसीज है। सो जिसके पास एक्सपीरियंस है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स है भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के अंदर एनी स्टेट अप्लाई कर सकते, सो ऑल इंडिया कैन एलिजिबल। ITI वाले भी अप्लाई कर सकते, डिप्लोमा होल्डर भी अप्लाई कर सकते, इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर भी एलिजिबल है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट तुम्हारा 1000+ यहाँ पे वैकेंसीज निकल के आ रहे, जिसमें तुम्हारा जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, देन तुम्हारा सुपरवाइजर, टेक्नीशियंस, ऐसा करके बहुत सारे पोजीशंस के लिए जॉब का वैकेंसीज आ रहे। सो कैसा तुमको बेसिकली अप्लाई करना पड़ेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाले हैं, कितना CTC रेंज आ सकता है, सारे डिटेल्स इन दिस वीडियो में कवर करेंगे। बट उसके पहले एक पॉइंट बता देना चाहता हूँ, जिन लोग अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सो जाके सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा बहुत सारे जॉब का वैकेंसीज मैं पब्लिश करती हूँ। सो इसीलिए, और नोटिफिकेशंस को अपडेटेड पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और जिन लोग पैरा से लाइक नहीं किए सो पैरा से लाइक करवा देना, क्योंकि इतना अच्छा जॉब का वैकेंसीज तुम लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ इसीलिए। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो, डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें तुम्हारा प्रीमियम जॉब का अपडेटेड तुमको दिखाई देगा, बट फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थोड़ा सा डिटेल्स में इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, चलो लेट्स स्टार्ट। करने से पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, यूट्यूब चैनल जॉब को फॉर यू, जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो यहाँ पे जो रेड कलर का दिखाई देगा यहाँ पे जाके क्लिक कर देना, इसमें क्या होगा तुम्हारा सब्सक्राइब हो जाएगा। अपने दर यहाँ पे जो बेल आइकन है यहाँ पे जाके क्लिक करके उसके बाद तुम्हारा जो ऑल है यहाँ पे जाके क्लिक कर देना, इसमें क्या होगा तुम्हारा सारे नोटिफिकेशन तुमको दिखाई देगा, जितने सारे मैं वीडियो अपलोड करेंगे सारे नोटिफिकेशन तुमको दिखाई देगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नोटिफिकेशंस मेरे को दिखाई दिया लिंक्डइन ID में, सो मेरे को दिखाई दिया तो मैं वीडियो बना दिया। और यहाँ पे जो जॉब का वैकेंसीज आ रहा है, जैसा यहाँ पे देख सकते हो, रेलवे प्रोजेक्ट के लिए जॉब का वैकेंसीज है। न्यू रेलवे प्रोजेक्ट लोकेटेड एट बिलासपुर, बिलासपुर लोकेशंस में जो नया रेलवे प्रोजेक्ट का काम चल रहा है उसी का रिगार्डिंग यहाँ पे जॉब का वैकेंसीज आ रहा है, जिसमें तुम्हारा कंपनी का बारे में देखेंगे तब यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, कंपनी जो है बेसिकली HG इंफ्रा इंजीनियरिंग है। ओके, और यहाँ पे जो पब्लिश्ड किया मेरे को दिखाई दिया, जैसा यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, रिक्रूटर ही पब्लिश्ड किया है, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग का लिमिटेड का जो रिक्रूटर है बेसिकली पब्लिश्ड किया है लिंक्डइन ID में। सो इसीलिए मैं वीडियो बना दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे तुमको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। एक गूगल का एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको फिल करना पड़ेगा। सो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, जाके तुम डायरेक्ट क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। बट अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा देख लेना कैसा तुमको बेसिकली अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर इन दिस वीडियो में बताएंगे। ओके, सो फ्रेंड दिस इज द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, गूगल फॉर्म है, जैसा यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो। और यहाँ पे जो वैकेंसीज आ रहा है, जैसा यहाँ पे देख सकते हो, HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के तरफ से वैकेंसीज है। हिमाचल रेलवे प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आ रहे हैं जो बिलासपुर लोकेशंस में है। जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको फिल करना तुमको मैंडेटरी है। कैसा तुमको फिल करना पड़ेगा उसके बारे में बता देते हैं। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो, पहला जो पॉइंट है योर कैंडिडेट नेम, सो कैंडिडेट का नेम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है तुम्हारा करंट डिपार्टमेंट, सो यहाँ पे एनी डिपार्टमेंट चूज कर सकते हो, जैसा जिसका जो पसंद है, जैसा किसी का स्ट्रक्चर पसंद है स्ट्रक्चर भी अप्लाई कर सकते हो। QA QC दैट्स मीन क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी एश्योरेंस में भी क्लिक कर सकते हो। किसी का सर्वे, जिसका जो पसंद है यहाँ पे तुम अप्लाई कर सकते हो। किसी का ऐसा भी हो सकता है पार्चेज में पसंद है, सो पार्चेज भी अप्लाई कर सकते हो। प्लांट मशीनरी में भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा करके तुम्हारा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, सो अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। प्लानिंग एंड QS के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जिसका जो पसंद है उसी फील्ड यहाँ पे तुम अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है करंट डेजिग्नेशंस, सो यहाँ पे देख सकते हो, जो करंट डेजिग्नेशंस यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी मेंशन कर सकते हो। जैसा तुम्हारा डिप्लोमा के लिए बेसिकली जूनियर इंजीनियर में अप्लाई करना पड़ेगा, इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर के लिए असिस्टेंट इंजीनियर में अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा करके बहुत सारे डेजिग्नेशन से अपने चूज कर सकते हो, जैसे इंजीनियर RCC। ओके, देन तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर में ऑप्शंस में चूज करने से नहीं होगा, फ्रेशर्स के लिए सो नहीं होगा, एक्सपीरियंस होल्डर के लिए है, क्योंकि एक्सपीरियंस होल्डर के लिए बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर का ऑप्शंस चूज कर सकते हो। बट फ्रेशर्स के लिए जो ऑप्शन चूज करना पड़ेगा उसके बारे में बता देना चाहते हो, जैसे तुम्हारा इंजीनियर RCC, देन असिस्टेंट इंजीनियर RCC, जूनियर इंजीनियर RCC,
ओके। देन तुम्हारा सिविल इंजीनियर में भी चूज कर सकते हो, जिसका सिविल इंजीनियर है अप्लाई कर सकते हो। देन तुम्हारा सुपरवाइजर फॉरमैन के लिए डिप्लोमा और आईटीआई जिन लोग कंप्लीट किए अप्लाई कर सकते हैं, ओके। क्योंकि फॉरमैन और सुपरवाइजर जो है पोजीशन जो है बेसिकली डिप्लोमा और आईटीआई के लिए होता है। सो डिप्लोमा आईटीआई के लिए फॉरमैन और सुपरवाइजर ऑप्शंस, ओके। फॉरमैन सुपरवाइजर स्टील वर्क के लिए भी सेम डिप्लोमा और आईटीआई, ओके। मैनेजर लेवल का जो है इसमें तुम्हारा क्वालिफिकेशन ज़्यादा बोलता है, जैसा जिन लोग एमटेक कंप्लीट किए उन लोग अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बट बीटेक मैनेजर लेवल्स में अप्लाई करने से नहीं होगा, फ्रेशर्स के लिए नहीं होगा। एक्सपीरियंस होल्डर के लिए मैनेजर लेवल का पोस्ट जो है अप्लाई करने से ठीक है, बट तुम्हारा फ्रेशर्स के लिए मैनेजर लेवल का पोस्ट अप्लाई करने से ठीक नहीं होगा। सो यहाँ पे देख सकते हो ड्राफ्ट्समैन के लिए भी डिप्लोमा भी अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर्स के लिए मैं बता रही हूँ, ओके। एक्सपीरियंस होल्डर के लिए जिसका जैसा एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हो। ऐसा करके जियो टेक्निकल इंजीनियर के लिए भी फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियर क्यूए क्यूसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं फ्रेशर्स, टेक्नीशियंस के लिए डिप्लोमा और आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियर क्यूए क्यूसी के लिए डिप्लोमा और इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर दैट्स मीन बीए बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके। ऐसा करके बहुत सारी ऑप्शंस है, सुपरवाइजर के लिए डिप्लोमा और आईटीआई अप्लाई कर सकते हैं, ओके। ऐसा करके यहाँ पे देख लेना, बहुत सारी ऑप्शंस है, आपने इन सबसे चूज कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर लेवल का है, जिसमें तुम्हारा डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं और इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर दैट्स मीन बीई बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, ओके। सीनियर इंजीनियर और इंजीनियर के लिए भी सेम है, बीई बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ओके। फॉरमैन और सुपरवाइजर के लिए भी डिप्लोमा भी अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ओके। ऐसा करके बहुत सारी ऑप्शंस है, चूज कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है हाइस्ट क्वालिफिकेशंस, जैसा यहाँ पे देख सकते हो 10th 12th डिप्लोमा बीटेक बीई एमटेक एमई, ऐसा करके बहुत सारी ऑप्शंस है, आईटीआई के लिए भी ऑप्शंस है, ओके। और अदर्स में भी चूज कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे स्ट्रीम के बारे में मेंशन करना पड़ेगा, जैसा सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, ऐसा करके बहुत सारे स्ट्रीम के लिए है। और सपोज तुम्हारा स्ट्रीम ऑप्शंस में नहीं है, सो अदर में जाके तुम चूज कर सकते हो। और एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ, सेफ्टी इंजीनियर के लिए एनी ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, जैसा सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल देन तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स, एनी ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, सेफ्टी इंजीनियर के लिए है। और अदरवाइज अदर्स में भी चूज कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट है पासिंग ईयर, तुम्हारा जो पासिंग ईयर है यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशंस का नेम, सो फ्रेशर्स के लिए बेसिकली एन ए करके मेंशन करना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस होल्डर के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस का जो नेम है, ठीक है, जिसमें तुम अभी काम कर रहे हो जो कंपनी में, नेम मेंशन करना पड़ेगा। टोटल एक्सपीरियंस के बारे में देखेंगे, फ्रेशर्स के लिए कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हो लेस देन वन, इसमें ही जाके तुमको चूज करना पड़ेगा। और एक्सपीरियंस होल्डर के लिए जिसका जितना साल एक्सपीरियंस है चूज कर सकते हो, ओके। टोटल ऑर्गेनाइजेशन सर्व्ड, इसमें तुम्हारा बेसिकली वन में तुमको क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है तुम्हारा करेंट सीटीसी के बारे में भी मेंशन करना पड़ेगा, मैं बता देना चाहती हूँ करेंट सीटीसी। सो बट इसके पहले मैं बता देना चाहती हूँ, करेंट सीटीसी जो बेसिकली है एक्सपीरियंस होल्डर के लिए है। सो फ्रेशर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.00 करके मेंशन करना पड़ेगा, ओके। बट फ्रेशर्स के लिए 0.00 करके मेंशन करना पड़ेगा, बट एक्सपीरियंस होल्डर के लिए बेसिकली जिसके पास जो करेंट सीटीसी जो है यहाँ पे रेंज मेंशन करना पड़ेगा, बट फ्रेशर्स के लिए 0.00 करके मेंशन करना पड़ेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो नेट इन हैंड सैलरी जो है यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, फ्रेशर्स के लिए 0.00 करके मेंशन करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस होल्डर के लिए जो इन हैंड जो सैलरी तुमको मिलता है मेंशन करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या हो सकता है, सो मैं बता देना चाहती हूँ फ्रेशर्स के लिए बेसिकली आईटीआई के लिए एक्सपेक्टेड सीटीसी जो रेंज आ सकते हैं, सो यहाँ पे 2.5 से लेके 3 एलपीए तक आ सकता है, ओके। नेक्स्ट है डिप्लोमा होल्डर के लिए 3 से लेके 3.5 एलपीए तक आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है तुम्हारा इंजीनियरिंग डिग्री और बीई बीटेक जो भी है, बीई बीटेक बेसिकली इंजीनियरिंग डिग्री में ही होता है, सो बीई बीटेक के लिए बेसिकली 3.5 से लेके मैक्सिमम अप टू 4 एलपीए तक,
ओके ऐसा ही तुम एक्सपेक्टेड सीटीसी रेंज आ सकते हो, उसके अंदर जितना है। सपोज आईटीआई के लिए देखेंगे तब मिनिमम 2.5 मैक्सिमम अप टू 3, उसके अंदर जो भी रेंज है यहाँ पे डाल सकते हो। मिनिमम मैक्सिमम दोनों ही बता दिया, सो अपने हिसाब से एक्सपेक्टेड सीटीसी रेंज यहाँ पे डाल सकते हो। ओके नेक्स्ट जो पॉइंट है नोटिस पीरियड, सो नोटिस पीरियड 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज, 60 डेज यहाँ पे डाल सकते हो। 7, 50 और 7 नेक्स्ट जो है 15 डेज डालने से अच्छा होगा। ओके नेक्स्ट जो पॉइंट है ईमेल आईडी ऐसा ईमेल आईडी डालना जो ईमेल आईडी तुम्हारा रनिंग है। ओके ऐसा ईमेल आईडी डालना। नेक्स्ट जो पॉइंट है कॉन्टैक्ट नंबर। ओके नेक्स्ट जो है डेट ऑफ बर्थ, देन तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट नेम, देन तुम्हारा स्टेट नेम, देन तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट जो होम टाउन यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और एक पॉइंट बता देना चाहते हो, जितना स्टार मार्क है तुमको फिल करना मैंडेटरी है, बिना स्किप करके नहीं जा सकते। ओके और नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे आर यू रेडी टू रिलोकेट हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पे यस कर देना। ओके और नेक्स्ट जो पॉइंट है योर सीवी, यहाँ पे ऐड फाइल में जाके क्लिक करके तुम्हारा सीवी अटैच करना पड़ेगा। सीवी के साथ कवर लेटर भी दे देना, कवर लेटर का सैंपल मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सीवी के साथ कवर लेटर देने से क्या होता है, इंप्रेशन अच्छा होता है, शॉर्टलिस्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। उसके बाद तुमको सबमिट ऑप्शन में जाके क्लिक करना पड़ेगा। ऐसा करके तुमको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्योर फॉलो करना पड़ेगा। ओके और एक पॉइंट के बारे में बता देना चाहती हूँ, जो स्टेट नेम प्लेस ऑफ वर्क करके है, इसमें तुम्हारा जो फ्रेशर्स के लिए मैं बता रही हूँ, ओके एक्सपीरियंस होल्डर के लिए जो तुम जिधर काम कर रहे हो उसी प्लेस तुमको यहाँ पे डालना पड़ेगा। सपोज कोई कोई ऐसा भी होता है बेंगलोर में काम कर रहे हो, सो बेंगलोर ऑप्शंस में तुमको चूज करना पड़ेगा। हैदराबाद में काम कर रहे हो सो हैदराबाद ऑप्शंस चूज कर सकते हो। कोलकाता लोकेशंस में काम कर रहे हो सो कोलकाता लोकेशंस चूज कर सकते हो। बट फ्रेशर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रेशर्स के लिए बेसिकली तुम्हारा जो होम टाउन है उसी यहाँ पर डाल देना। ओके जिसका जो होम टाउन है यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस है, सो अपने हिसाब से किसी का पॉन्डिचेरी है सो यहाँ पे देख सकते हो, डाल सकते हो। ओके उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितने सारे डाउट होता है मैं उतने सारे डाउट क्लियर कर देती हूँ दिस वीडियो में, क्योंकि बार बार कमेंट आता है इसीलिए। और ऐसा करके तुमको बेसिकली फिल करना पड़ेगा जैसा मैं बता रही हूँ। ओके सो आई होप मैं सारे डिटेल्स कवर कर चुकी हूँ। इसमें भी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं हमेशा रिप्लाई करने के लिए कोशिश करूँगी। और वीडियो पसंद लगा तो पहले से लाइक करवा देना, और ऐसा नया नया जॉब का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। फिर से आएंगे एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी से लेके, सो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।